WHO ने बोला है कि कोविड तो जो है वार्म अप था, आने वाली चीजें तो और खतरनाक होगी, तो अब जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। सिर्फ 25 केस होते हैं पूरे एक साल में पावासन वायरस के पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया में सिर्फ 25 केस होते हैं पूरे एक साल में, तो इतना शोर क्यों है? गूगल पर ट्रेंड क्यों कर रहा है ये पावासन वायरस, जो कि US में फैला हुआ है और अभी तक इसी की वजह से एक डेथ भी कंफर्म करी जा चुकी है। ये वायरस US के नॉर्थ अमेरिका में पार्ट में मिलता है, या कनाडा में, या रशिया में मिलता है, बट इंडिया में ये ट्रेंड कर रहा है और उसके बारे में काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता भी जता रहे हैं। जब 25 ही केस पूरे साल में होते हैं, तो उसकी वजह से इतनी बड़ी चिंता क्यों है, और क्या हमको चिंता करने की ज़रूरत है, और इसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप पावासन वायरस के बारे में जानकर चिंतित हो और आपको लगा कि कोरोना के बाद में एक नया वायरस आ रहा है, तो इससे पहले कि लोग आपके दिमाग में भरम फैलाए, अलग अलग तरह के YouTube पे, सोशल मीडिया पे आपको वीडियोस शेयर करें, पोस्ट शेयर करें, बेटर है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, साइंटिफिक होने वाला है, और सही जानकारी है पावासन वायरस के बारे में कि आपको उससे कितना डरने की ज़रूरत है भी या नहीं, ये सब बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पावासन वायरस 1958 में जब इसको पहली बार पाया गया था, उसके बाद देखा गया कि पावासन वायरस जो है बहुत ज़्यादा लोगों में तो नहीं होता है, लेकिन जितने भी लोगों में होता है उनमें से एक तिहाई लोगों की मौत भी हो सकती है। अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि 25 केसेस रिपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया में एक साल के अंदर, लेकिन अब इसके केस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। हर साल दर साल इसके केसेस पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से इसको ज़्यादा चिंता भी जताई जा रही है। इसकी वजह से चिंता जताने का एक और बड़ा रीज़न ये है कि जब इसके लिए ना ही तो हमारे पास कोई वैक्सीन है, ना ही कोई ट्रीटमेंट है, और बड़ी बात यह है कि जब इसकी इन्फेक्शन होती है तो इसके लक्षण तो बाकी इन्फेक्शन जैसे होते हैं, ठीक भी हो जाता है, लेकिन 1/3 में तो ये वैसे ही नुकसान, बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान कर देता है, बंदे को ही ले जाता है। बाकी लोगों में जो सर्वाइव कर जाते हैं उनके अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बार बार सर में दर्द होना और चक्कर आना। उसी तरह से आपको कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम हैं जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है, आपके शरीर में बिल्कुल जान ना रहना, मसल वीकनेस होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम पावासन वायरस की वजह से ठीक होने के बावजूद भी आपके अंदर रह सकती है। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके क्रिसिस बढ़ रहे हैं। आपने वो तो सुना ही होगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया जो है एक परिवार है, एक ग्लोबल विलेज है, सब लोगों का आना जाना मिलना जुलना लगा रहता है, लोग टूर करने के लिए जाते हैं, ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो एक इन्फेक्शन दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत ज़्यादा आसानी से पहुंच सकती है। पावासन वायरस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये होता कैसे है। हमारे कंट्री में कोई केस नहीं है, और इसकी वजह से केसेज होने के चांसेस भी हमारे कंट्री में काफ़ी कम है। बाकी भविष्य बताएगा, उसके बारे में कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता है। बात करते हैं कि पावासन वायरस क्या होता है। पावासन वायरस जो होता है ये बेसिकली जो डियर टिक की वजह से होता है, एक जो हिरन या गिलहरी या इनके ऊपर जो है कुछ टिक होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके अंदर ये वायरस होता है, और जब इन्हीं टिक्स के बाइट की वजह से ये वायरस इंसान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसको बीमार कर देता है। ज़्यादा चिंता की बात ये भी है इस पर्टिकुलर वायरस में कि इसके लक्षण नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण ही नहीं आते हैं, और जितने लोगों में लक्षण आते हैं उतने लोगों में तो प्रॉब्लम करता ही करता है। तो बेसिकली क्या करता है कि आपके अंदर लक्षण काटने के बाद में एक हफ्ते से लेकर एक महीना तक ले सकता है आपके अंदर ये सिम्टम दिखाने के लिए। सिम्टम क्या होंगे? सिंपली जो है आपको सर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, कमजोरी महसूस होगी, शरीर में पूरे बदन में दर्द महसूस होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोगों में नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है, और जब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती है तो ये वायरस आपके ब्रेन को इन्फ्लेम कर देता है, और ब्रेन के ऊपर, और जिसको बोलते हैं एनकेफलाइटिस, और ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसको इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। जब आप ब्रेन के अंदर घुस जाता है उसकी वजह से लॉस इन कोऑर्डिनेशन हो जाता है, आप सही से चल नहीं पाते हो, सर दर्द होता है, दौरे पड़ते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो आपको पता ही है लंबे टाइम से क्यों किस तरह से दिक्कत करती है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सबको इन्फ्लेम करके रख देता है, और यही वजह है ये थोड़ा सा, इसलिए इसके बारे में एक सीरियस कंसर्न अराइज हो रहा है। अमेरिका में तो डेफिनेटली कंसर्न अराइज होता ही है, बट वही वाली बात है, अमेरिका छींकता है तो बाढ़ सारे कंट्रीज में आ जाती है, तो इसी वजह से पावासन वायरस के बारे में इतनी सारी बात हो रही है। हमारे कंट्री में कोई केस नहीं है अभी तक, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है,
बट हाँ, जो जानवरों के, पशुओं के कांटेक्ट में रहते हैं उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जब आप अपने पशु से अपना काम कर लिया, अपने बॉडी को, अपने बालों को अच्छे से झाड़ पोंछ लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है, जो लोग हिरण के, गिलहरी के, हमारे कंट्री में नहीं है केस, वहाँ पर जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वहाँ से जो टिक उनके ऊपर बॉडी पर आता है, तो जहाँ पर दो स्किन के फोल्ड मैच मिलते हैं, जैसे कि कान के पीछे इसी वाले हिस्से में, आर्म पिट में, थाइज के बीच में, इन सब जगह पे, आपके घुटनों के पीछे, इन सब जगह पे ये चिपक जाता है। एडवाइस किया जाता है इसको अच्छे से धो ले, साफ़ कर ले, नहा ले, उसके बाद में आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट के तौर पे जो है हाइड्रेशन मेंटेन करना है, फीवर मेंटेन करना है, हेडेक मेंटेन करना है, जो सिम्टोमेटिक है प्रॉब्लम उसको मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। जब ब्रेन में पहुंच जाएगा तो आपको एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़े रहेगी और आपको आईसीयू, उस तरह की फैसिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका फ़िलहाल कोई लैब डायग्नोस्टिक है या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड से भी स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड जो निकाल के उस तरह से इसका टेस्ट किया जाता है, और ख़ास तौर से जब हम लोग इससे बारे में हिस्ट्री पूछे जाते हैं कि आपने कहीं पर ट्रैवल किया था पिछले एक डेढ़ महीने में, तो उससे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमें इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहने की हमेशा ज़रूरत होती है। हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। अपन ने सारी चीज़ों को टच करके नाक पे, मुंह पे, आंखों पे हाथ ना लगाए, तो उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। अब देखो, WHO ने एक बोला है कि अभी कोविड तो जो है वार्म अप था, आने वाली चीज़ें तो और ख़तरनाक होगी, तो अब जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, तो अब जियेंगे और मस्ती से और शान से जियेंगे। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, उसके अलावा और करने की क्या जरूरत है, बाकी जो होगा देख लेंगे। थैंक यू सो मच।